विधानसभा मंडी तती पांच दिन है चली पारुनी गृह राज्यर विभिन्न स्थान में लग रही मंडी अव्यवस्था समाधान लगे अड़ी बसुच्छे बीजेपी गृह में बारंबार यह प्रसंग उठाई होहल्ला करछन्ती बीजेपी विधायक गतकाली एने मुख्यमंत्री को चिठी लिखी थे प्रदीप्त नायक हेले समाधान समाधान हलानी जहाँ सूचना रही कि यार प्रतिवाद आज नवीन निवास अभिमुखे जी बीजेपी विधायक तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित तो भुवनेश्वर फोन लाइन जोड़ना प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य राज्य अनेक समस्या रही जार समाधान होगा निहाती आवश्यक एवं मंडी समस्या एक प्रकार बड़ समस्या हो जदि कह राज्य में उभय छिड़ा होती स्थित लगातार पांच दिन है गृह चली पारे किंतु यार कौन समाधान सूत्र पाई जहाँ सूचना रही कि यार प्रतिवाद आज नवीन निवास अभिमुखे जी बीजेपी विधायक कौन लगुच गलापर कि समाधान सूत्र बाहर देखो बिस्मिल लगातार भाव में पांच दिन हम विधानसभा अचलावस्था लगी रही प्रत्येक दिन नुआ नुआ प्रसंग सामना को आसुची सब बड़ कथा हूँ देखिए शासक विरोधी ही निज निज जिद अटल रही शासक दल जिद कर विधायक सुभाष पाणिग्राही गृह गारिमा भंग कर जो सानिटाइजर पी से आत्महत्या उद्यम कर गृह गारिमा भंग होती विधायक सुभाष पाणिग्राही क्षमा मांगतु अन्यपटे विरोधी दाबी करछंती जे पर्यंत समस्त मंडीरु धान न उठिब से पर्यंत जाए गृह चलाई देबे नाही एभली परिस्थिति रे पांच दिन हेबो गृह रे अचलावस्था लागि रहिछि याहाकु नै मध्ये आपण देखिबे गतकाली गोटे प्रकार हाई ड्रामा होइतिला जेतेबेले बीजेडी विधायक माने विधानसभा बाहरी राजभवन अभिमुखे बाहरथिले पदयात्रा करथिले एवं फ्लागमार्च करिवा सह विधायक सुभाष पाणिग्राही विरोध स्लोगान देते राज्यपाल को भेटी दावीपत्र देवा जन गृह कारिया भंग होती अंपटे आप देखिए गत काली पुणी थे कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र मुख्यमंत्री को चिठी लिखते जो से दर्शाई थे गृह नेता हिसाब से मुख्यमंत्री किसी दायित्व रही आग को आसतु जो समस्या बर्तमान गृह से उपजी से समस्या समाधान हो गृह जो अचलावस्था लगी रही तार समाधान कर जदि गृह समस्या को समाधान न करेंगे मुख्यमंत्री अर्थात गृह नेता हिसाब से दायित्व न तुलाइए ताहले क्यों ना क्यों जो कर्तव्य रही मुख्यमंत्री से निवृत्त रही धरनी एभली प्रसंग चिठी उल्लेख करते कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र गत काली अपराह विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक मुख्यमंत्री को समान एक चिठी लिखते जो थे से मुख्यमंत्री को भेटी मंडी समस्या एवं जो गृह अचलावस्था लगी रही तार समाधान लगी किसी बाट बाहर करने समय मागिथिले आलोचना करने चाहते जो थे दर्शाई थे जो भी हो आप नवीन निवास डकांतु किंबा जदि सचिवालय डकांतु किंबा जो भी डकांतु आम आलोचना प्रस्तुत अच्छु आमको समय दि जाऊ किंतु गत काली संध्या जाए राति है मुख्यमंत्री दफ्तर किंबा मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ कौन उत्तर न मिलवा फल बीजेपी विधायक माने निष्पत्ति नहीं आज सीधा सड़क विधानसभा नवीन निवास अभिमुखे से जिबे नवीन अर्थात मुख्यमंत्री को नवीन निवास भेटिबे मुख्यमंत्री से आलोचना करेंगे तो देखा जाऊ जो बाद विवाद भितर धान मंडी कि उठुची और चाषी जो समस्या रही गत काली आप जानते जन चाषी संबलपुर आत्महत्या उद्यम करस्थित जो समवाय मंत्री खाद्य जोगाण मंत्री रही रणेन्द्र प्रताप स्वाई जुक्ति हूँ चलित बर्ष 61 लाख मेट्रिक टन धान उठी सारा और जहां गत वर्ष अपेक्षा 19% अधिक क्यों ना कौटी सरकार मानवा को नाराज जे चाषी समस्या रही मंडी धान पड़ी मंडी धान नष्ट एभली प्रसंग को सरकार मानवा को नाराज और केन्द्र राज्य भितर दोषारोप चली केन्द्र सरकार को राज्य सरकार दोषारोप करु प्रकृत में बास्तव में आप देखिए ग्राउंड रे चाषी मैंने हईराण हरकत होती जड़े पर जन चाषी आत्महत्या उद्यम कर प्रसंग को विधानसभा को बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही आनीते निजे आत्महत्या उद्यम करते दावी था चाषी मान जो धान रही प्रथम सरकार उठातु किंतु परवर्त समय शासक दल विधायक क्षमा प्रार्थना दाबी अड़ी बसी जो लगातार हम पांच दिन गृह अचल हो पड़ी सहित अनेक प्रसंग यार भितर आलोचना हबार कथा से प्रसंग आलोचना को आसी पार नाई प्रश्न काल शून्य काल मुलतवी प्रस्ताव खर्चदे आलोचना यह तमाम प्रसंग जहाँ विधि व्यवस्था रही विधानसभा से सब प्रसंग में आलोचना हो पार नहीं गृह गोटे मिनिट पर स्वाभाविक हो पार नहीं कि गृह कौन प्रसंग आलोचना हो पार नहीं जहाँ विरोधी को कहला कथा प्रकृत समस्या को लुचाई शासक दल एभली एक कहीपरिया
ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା କରୁଛି, ଶାସକ ଦଳ ଏଭଳି ଏକ ନାଟକବାଜି କରୁଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କହିବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟରେ ପରି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏହା ହଉଛି, ଶାସକ ଦଳଙ୍କର ଏହା ହଉଛି ସୁଚିନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି। ବିସ୍ମିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ବିଧାନସଭାରେ ମଣ୍ଡିତାତି ରହିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିପାରୁନି ଗୃହ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।